हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओरल कोलेसिस्टोग्राफी। ओरल कोलेसिस्टोग्राफी क्या होती है, वह क्यों की जाती है, वह इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन व इसके प्रोसीजर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें व रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बाइलरी सिस्टम इमेजिंग के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं। फर्स्ट है ओसीजी, मतलब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी। सेकंड है प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। थर्ड है पोस्ट ऑपरेटिव या टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। फोर नंबर है ERCP, मतलब एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। फाइव नंबर है PTC, मतलब परक्यूटीनियस ट्रांसपेटिक कोलेंजियोग्राफी। इन सभी एग्जामिनेशंस को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के बारे में जानते हैं, इसे OCG भी कहा जाता है। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर बाय द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब OCG में ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा गॉल ब्लैडर का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज बाइलरी चैनल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द थ्रू ओरली। इसका यूज बाइलरी चैनल्स को देखने के लिए आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को माउथ से ओरली दिया जाता है। यह एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जामिनेशन करने के लिए उसके एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। बाइलरी सिस्टम में लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स इंक्लूड होती है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है कि वह लीवर के द्वारा प्रोड्यूस बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे और एब्डोमन कैविटी के राइट अपर साइड में स्थित होता है। गॉल ब्लैडर का शेप पियर शेप, मतलब नाशपाती जैसा होता है। इसकी लेंथ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी कैपेसिटी 30 से 50 ml और कलर स्टेट ब्लू होता है। बाइल कंपोजिशन, मतलब यह किस किस से मिलकर बना होता है। बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट, वाटर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स। गॉल ब्लैडर को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, फंडस, बॉडी और नेक। अब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के इंडिकेशंस की बात करते हैं, मतलब यह एग्जामिनेशन किस कंडीशन में करवाना चाहिए। कोलेलिथियासिस, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर। कोलेसिस्टाइटिस, मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या सूजन आने पर। बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस, मतलब बाइलरी डक्ट सिकुड़ जाने पर। ट्यूमर्स इन द गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर में ट्यूमर्स होने पर। रिक्यूरेंट बाइलरी डिजीज, मतलब बार बार बाइलरी डिजीज होने पर। इन सभी कंडीशंस में ओरल कोलेसिस्टोग्राफी की जाती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं, मतलब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी को कब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होने पर। सेकंड है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर। थर्ड है प्री सीवियर हिपेटोरिनल डिजीज होने पर। फोर है नंबर है एनी कंप्लीट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाइलरी ट्रैक्ट में कंप्लीट रुकावट होने पर। फाइव नंबर है डिहाइड्रेशन होने पर। इन सभी कंडीशंस में ओरल कोलेसिस्टोग्राफी नहीं करनी चाहिए। अब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। एक्सरे मशीन के साथ फ्लोरोस्कोपी यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बटर और फैटी मिल, ये सभी इक्विपमेंट OCG करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए। अब OCG में यूज होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं। OCG में आयोडिनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है। इसमें ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया टेबलेट फॉर्म में आता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के ब्रांड नेम जैसे बिलोप्टिन, टेलीपैक, कोलेब्रिन और सोलू बिलोप्टिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं, मतलब OCG के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में
बता देना चाहिए। फैट फ्री डाइट सजेस्ट टू द पेशेंट लास्ट टू डेज, मतलब पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के 2 दिन पहले फैट फ्री डाइट लेने की सलाह देनी चाहिए। फास्टिंग मे बी एम्प्लॉयड फॉर 6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से 8 आवर पहले पेशेंट को भूखा रहने के लिए बोलना चाहिए। ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर की परमिशन के लिए पेशेंट से सहमति पत्र भरवाना चाहिए। फैट कंटेनिंग इवनिंग मील ऑन द इवनिंग प्रायर टू द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन से पहले शाम को फैट युक्त भोजन करवाना चाहिए। आक्स द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वियर ए हॉस्पिटल गाउन, मतलब पेशेंट के कपड़ों को रिमूव करवाकर हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए। प्रोसीजर करने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए, जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। अब प्रोसीजर की बात करते हैं, मतलब ओसीजी कैसे किया जाता है। 6 टैबलेट ऑफ टेलीपैक एंड सोलुब्लोप्टीन ओरली नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को टेलीपैक और सोलुब्लोप्टीन की 6 टैबलेट ओरली रूप से पहली नाइट को दी जाती है। दीज कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर इनटू द गॉल ब्लैडर, यह कॉन्ट्रास्ट मीडिया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लीवर के द्वारा गॉल ब्लैडर में सिक्रेटेड होता है। ए प्रॉन ऑब्लिक व्यू विथ राइट साइड लेटरल इज टेकन प्रीलिमिनरी फिल्म आफ्टर 12 to 16 आवर्स फॉर गॉल ब्लैडर विजुअलाइजेशन, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के 12 से 16 आवर्स के बाद गॉल ब्लैडर देखने के लिए प्रॉन ऑब्लिक राइट साइड लेटरल पोजिशन के साथ प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं। आफ्टर द प्रीलिमिनरी फिल्म द पेशेंट यूजुअली लाई इन द सुपाइन पोजिशन, मतलब प्रीलिमिनरी फिल्म लेने के बाद पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटाया जाता है। आफ्टर ए स्काउट फिल्म इज टेकन ऑफ गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर के लिए स्काउट फिल्म ली जाती है। आक्स द पेशेंट टू ईट बटर और फैटी मील, फिर पेशेंट को बटर और फैटी युक्त भोजन खाने को कहा जाता है। द फैट्स स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर फॉर कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब जो फैट्स होती है वह गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करने का काम करती है। आफ्टर 30 to 40 मिनट विथ राइट साइड डाउन पोजिशन फिल्म आर टेकन टू असेस द कॉन्ट्रेबिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर फंक्शन, फिर 30 से 40 मिनट के बाद राइट साइड डाउन पोजिशन में गॉल ब्लैडर फंक्शन देखने के लिए फिल्म ली जाती है। फिर सर्वाइरल रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं, जैसे अपराइट स्टैंडिंग पोजिशन, राइट लेटरल डिक्यूबिटस, राइट पोस्टेरियर ऑब्लिक और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म ली जाती है। इफ़ द गॉल ब्लैडर नॉट विजुअलाइज्ड, ए डबल डोज ओसीजी मे हैव टू बी परफॉर्मेड वेयर द पेशेंट टेक इन ऑल 12 टैबलेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर गॉल ब्लैडर दिखाई नहीं देता है तो डबल डोज ओसीजी करनी चाहिए, उसमें पेशेंट को सभी 12 टैबलेट ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया देनी होती है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, मतलब ओसीजी करते टाइम क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। डायरिया हो सकता है, स्किन रिएक्शन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें व इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।